राम राम जी सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक हो गए। तो आज की वीडियो में बात करांगे पीजी वाले के बारे में, ठीक है। पीजी वालों के एडमिशन कब होंगे, एंट्रेंस कब होगा, और उसके बाद एंट्रेंस होगा तो क्यों होगा, मेरिट लिस्ट क्यों ना लगेगी, क्योंकि पिछले साल मेरिट लिस्ट लगी थी, अब की बार मेरिट लिस्ट क्यों ना लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहला बात कर लिया कि भाई जो पीजी के एडमिशन है वो कब होया करे। पीजी के एडमिशन जब होया करे जब यूजी वालों का 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ ले, ठीक है। क्योंकि जब तक उनका ग्रांट टोटल ना मिलेगा तब तक वो पीजी में अप्लाई ना कर सकते, ठीक है। पीजी जो अभी 6 सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स है वो अभी कंप्लीट हुए ही हैं, ठीक है। तो मतलब 5-7 दिन हुए हैं, तो उनका रिजल्ट के बारे में एक नोटिस आया था कि भाई जो आपका मतलब रिजल्ट है, एमडीयू ने बताया था कि जो 6 सेमेस्टर का रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी देंगे, और जो रीअपीयर के रिजल्ट है वो भी जल्दी दे देंगे, ताकि भाई किसी के जो पहला रीअपीयर रह रही है तो वो रीअपीयर क्लियर करके पीजी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो एमडीयू ने ये कहा था कि जो 6ठा सेमेस्टर का रिजल्ट है वो अगस्त के लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है, अगस्त के लास्ट तक या जो सितंबर के स्टार्टिंग तक, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक एडमिशन फॉर्म नहीं निकल सकते, क्योंकि एडमिशन फॉर्म तभी निकलेंगे जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो लेगा, क्योंकि उनको ग्रांट टोटल लगाना पड़ेगा कि भाई उनके टोटल कितनी परसेंटेज बनी है, ठीक है। तो सीधी सी बात यह आएगी, पीजी के एडमिशन 6ठा सेमेस्टर से पहले नहीं होंगे, 6ठा सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उससे पहले नहीं होंगे। तो 6ठा सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा अगस्त के लास्ट में, तो अगस्त के लास्ट तक पीजी के एडमिशन नहीं होंगे, ठीक है। पहली बात तो यह होगी। दूसरी बात कर लिया आप इब की एंट्रेंस होगा या ना होगा, और मतलब मेरिट बेस क्यों ना लगेगी, ठीक है। पिछले साल एंट्रेंस ना होया था भाई, उससे पहले हर साल एंट्रेंस होता था, ठीक है, आप सभी को इस बात का बेरा भी होगा। तो पिछली बार एंट्रेंस क्यों नहीं होया था, क्योंकि भाई इस टाइम पे मतलब पिछली बार इस टाइम पे कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, तो जब मतलब पीजी के एडमिशन हुए थे, और इन जो मतलब इंटरमीडिएट सेमेस्टर है जैसे कि दूसरा चौथा और छठा, ठीक है, उस टाइम पे मतलब ये प्रमोट कर दिए गए थे पिछली साल, ठीक है। मैं भी था भाई सेकंड सेमेस्टर में, था मैं प्रमोट होया था, यानी कि जो दूसरा चौथा और छठा सेमेस्टर था वो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के अंडर आया करा, तो वह प्रमोट कर दिए थे, और इसी टाइम पे आपका जो मतलब एडमिशन होया करा 6ठा सेमेस्टर के बाद, ठीक है। तो उस टाइम पे प्रमोट कर दिए थे, और मतलब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो इस वजह से वो उस टाइम पे मतलब मेरिट बेस पे एडमिशन देना पड़ा था, एंट्रेंस ना ले सकते थे, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी कॉलेज हर चीज़ बंद थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो मतलब कोरोना था, तो इस वजह से उनकी क्या कह रहा था कि वह ऑनलाइन मेरिट लिस्ट निकाल ली थी, मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका जो एडमिशन लिया था। लेकिन अब की बार एंट्रेंस होगा क्यों होगा भाई, पहली बात तो भाई देखो मतलब कोरोना बहुत कम हो गया है, वैक्सीन वगैरह आ चुकी है, पहले ही चीज़ तो यह होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ऑफलाइन एग्जाम्स ले रही है यूनिवर्सिटी अब की बार, ठीक है। आपने बेरा भी होगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का मोड दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम्स है वो ऑफलाइन लिए जा रहे हैं, ऑनलाइन का मतलब बहुत ही कम रेयर ही मतलब बच्चों को ऑप्शन मिल रहा है कि भाई आप ऑनलाइन एग्जाम्स दो, ठीक है। तो ऑफलाइन जब यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम्स ले रही है तो वो एंट्रेंस भी लेगी, पिछली बार उनकी मजबूरी थी क्योंकि सब चीज़ें बंद पड़ी थी, इस वजह से वो मतलब आपका जो मतलब एंट्रेंस नहीं ले पाई, लेकिन अब की बार एंट्रेंस होगा। तो मैं कैसे इस चीज़ को मतलब कैसे कह सकता हूँ, क्यों देख, पहली बात तो ये कि भाई मैंने जो मतलब यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन पर के लिए बात करी, तो उनकी कहा कि भाई अब की बार एंट्रेंस होगा, जो उनके जो टीचर है वो बोल रहे हैं कि अब की बार एंट्रेंस होगा, ठीक है। तो दूसरी बात है कि जो एंट्रेंस है वो मतलब कोरोना बहुत कम है, पिछली बार सिर्फ कोरोना के कारण ही आपका एंट्रेंस है वो कैंसिल हुआ था, मेरिट बेस पे होता, लेकिन अब की बार क्या है कि आपका जो मतलब एंट्रेंस होगा, क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत कम है और पीजी के स्टूडेंट्स भी बहुत कम है जो पीजी में एडमिशन लेंगे, पिछली मतलब पिछली सालों के अकॉर्डिंग अब की बार बहुत कम स्टूडेंट्स है जो पीजी में एडमिशन लेंगे, तो ये रीजन है, ठीक है। अब बात करेंगे आप कि भाई यूनिवर्सिटी फॉर्म कब निकाल लेगी, ठीक है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है जो, उसने फॉर्म निकाल दिए हैं, उन्होंने यूजी के और पीजी के निकाल दिए हैं। उन्होंने क्या किया है कि पहले यूजी के निकाले क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, पीजी के अभी तक नहीं निकाले हैं, क्यों ना निकाले उनके मतलब सितंबर में निकाल लेंगी, मतलब 2 या 3 सितंबर के करीब करीब उनके फॉर्म निकलेंगे, ठीक है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के। क्यों निकलेंगे, उनको इस चीज़ का पता है कि जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अभी तक 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं दिया है, तो वो इसी वजह से मतलब रिजल्ट ना निकाल मतलब फॉर्म अप्लाई नहीं करवा रहे पीजी वालों के।
तो एमडी भी ऐसा ही करेगी कि छठा सेमेस्टर का रिजल्ट के बाद ही मतलब पीजी वालों के निकालेगी, और यूजी वाले हैं जो मतलब फर्स्ट ईयर में मतलब बीए इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते, बीएससी बीकॉम या बी फार्मा वगैरह करना चाहते, तो उनके जो मतलब कैंपस के फॉर्म है वो भी जल्दी ही निकालेगी भाई। मतलब वो नोटिस डाल दिया जाओगा जब भी आपके मतलब फॉर्म निकलेंगे, आपको मतलब वीडियो बना के या फिर भाई मतलब अगर टाइम ना लग गया तो भाई कम्युनिटी पोस्ट डाल के भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही बताना था पीजी वालों के बारे में। तो पूरी वीडियो ठीक ठाक लगी होगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो और भाई शेयर कर दियो जिसकी भी मतलब ग्रेजुएशन हुई है, तो ताकि भाई उसकी मतलब पीजी के बारे में थोड़ा बहुत बेरा पड़ जाएगी भाई, पीजी में एडमिशन इस प्रोसेस का होगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो ठीक ठाक लगी होगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो। तो मिलते जल्दी नई वीडियो लेकर ना, राम राम।